गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड सुबह सुबह देख रहे हो कितना एनर्जी है, क्योंकि फाइनली हम लोगों का प्लान हो गया और कल निकल रहे हैं एक लॉन्ग राइड के लिए। और आज मैं सुबह सुबह उठ के तैयार हो गया, तो सुबह सुबह उठ के तैयार हो गया, कुछ सामान वगैरह खरीदना है क्योंकि बाइक को भी थोड़ा रिपेयर करना है, चेन क्लीन, चेन ल्यूब और कुछ कुछ ज़रूरी काम कराना है। तो मैं अभी निकल रहा हूँ, बाइक का काम करा के वापस आता हूँ, कुछ सामान भी खरीदना है वो सब करके, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरा जो पैकिंग किया है मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि पिछला जो मैंने राइड किया था दार्जिलिंग का, तब बहुत लोगों का क्वेरी था जो पैकिंग के बारे में, तो मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को दिखाया भी जाए क्या क्या चीज़ मैं कैरी करता हूँ। आप लोगों को तो मालूम है कितना बारिश हो रहा है इस बार, तो प्रिकॉशन तो मैक्सिमम लेवल पे लेना पड़ेगा। बाकी सब बढ़िया, अभी निकलते हैं सुबह सुबह और जाके सामान वगैरह खरीद के ले आते हैं, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। राइड से पहले का दिन बहुत टाइम क्रंच होता है यार, और रश भी हो जाता है, तो मेरे को बाइक वॉश कराना है। और ये जो लाइट देख पा रहे हो लूज़ हो गया है, उसको भी टाइट कराना है दोनों साइड। हालत क्या हो गया लास्ट राइड पे, इसको पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया क्योंकि बारिश भी मिला था। और काम कराना है क्या क्या, मैं दिखा देता हूँ। ये चार्जर काम नहीं कर रहा है थोड़ा, तो ये भी दिखाऊंगा। और एक पार्ट इंस्टॉल करना है, आगे इंस्टॉल होगा, मैं इंस्टॉल करने के बाद दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत लगता है वो। और एक स्विच इंस्टॉल करने वाला हूँ, क्योंकि जो मेरा सिमटेक का स्विच है फ्लैशर का, वो भी ख़राब हो चुका है। तो बहुत कुछ काम है पेंडिंग, बाइक को चकाचक भी करना है और चेन क्लीन, चेन ल्यूब भी करना है, वो मैं घर पे कर लूँगा। चलो अब फटाफट निकलते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, और अभी टाइम हो गया 11:30, क्योंकि मैं कुछ एडिटिंग कर रहा था। वीडियो शायद आप लोगों को दिख चुका है जो मैं बाइक कार को सर्विस करने लेके गया था टाटा का। तो लेट्स गो, आगे ही एक शॉप है, वहाँ पे मैं अपना काम कराता हूँ और इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ चेक कराता हूँ बिफोर एनी राइड, क्योंकि ये मैं रिकमेंड करूँगा हर एक को, ब्रेक वगैरह सब कुछ चेक करा लेने के लिए, क्योंकि राइड काफ़ी लंबा होने वाला है, अप्रोक्सीमेटली 2,250 किलोमीटर होगा। लेट्स सी, और वेदर भी आज काफ़ी खूबसूरत है उतना ज़्यादा बारिश नहीं है और उतना ज़्यादा धूप भी नहीं है, तो परफेक्ट वेदर आज काम करने के लिए। गाड़ी का काम कंप्लीट हुआ और देखो अभी झकाझक लग रहा है ना, और ये वाला पार्ट आज इंस्टॉल किया है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। आगे का लुक थोड़ा चेंज हुआ है, और लाइट का जो भी काम था इसको सामने पोजीशन कर दिए, बाकी सब छोटा मोटा काम हुआ है। हालत देखो मेरा, 3 बज चुका है, खाना वाना नहीं खाया, भूख लग गया, अभी जाके खाना वाना खाएंगे, चेन क्लीन ल्यूब करेंगे, फिर पैकिंग करेंगे और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो गाइस स्टे ट्यून्ड। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो मैं एक एक करके दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ मैं कैरी कर रहा हूँ। तो फर्स्ट थिंग जो आप लोग देख सकते हो, राइडिंग गियर्स, पैंट, जैकेट, ग्लव्स और हेलमेट, जो मैंडेटरी है क्योंकि राइड किसी भी राइड कर रहे हो तब राइडिंग गियर्स पहनना जरूरी है। और ये वाला राइड तो एक्सट्रीम होने वाला है, क्योंकि एक तो मानसून राइड है और दूसरा हिल राइड है, तो दोनों मिला के थोड़ा टफ होगा, तो लेट्स सी कैसा होता है। बहुत ही मज़ेदार वीडियोस भी आने वाला है, और इसके लिए मैं गोप्रो भी लगा लिया हेलमेट में, जैसे आप लोग देख पा रहे हो, तो गोप्रो से काफ़ी बढ़िया बढ़िया शॉट भी आता है। और नेक्स्ट थिंग मैं दिखा देता हूँ, मैं पंक्चर किट्स लेके जा रहा हूँ। ये पंक्चर किट है और स्टैंड है, और यहाँ पे एक ब्रश है, स्टैंड और ब्रश में यूज़ करने वाला हूँ चेन क्लीन और चेन ल्यूब के लिए। आप लोग देख सकते हो, मैं इसका दिखाऊँगा अभी वीडियोज़ में, तो आप लोग फॉलो कीजिए गाइस।
और यहाँ पे एक जीप टाई लेके जा रहा हूँ, बहुत जरूरी सामान है तो आप लोग कैरी कीजिए जरूर। नेक्स्ट कैरी कर रहा हूँ दो सनग्लास है और इसका एक MI का पोर्टेबल एयर कंप्रेसर है जो मैं एक अलग से वीडियो भी बनाया हूँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हो मेरा चैनल पे जाके, और मैं आई बटन पे एक लिंक भी छोड़ दे रहा हूँ। सॉक्स कैरी कर रहा हूँ और यहाँ पे कुछ टॉवल्स है और हैंकी है, तीन बालाक्लावा है और टी शर्ट है, कुछ कुछ पैंट्स है और यहाँ पे रेन लाइनर जो ज़रूरी है मानसून राइड के लिए एज यू नो, एंड यहाँ पे लैपटॉप एंड हार्ड ड्राइव जहाँ पे मैं अपना डेटा कॉपी करूँगा, और कई कई जगह पे अगर नेटवर्क मिले तो मैं एडिट भी करूँगा और वीडियोस भी अपलोड करूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए। और एक टैंक बैग कैरी कर रहा हूँ और यहाँ पे कुछ बंजी कॉर्ड्स जो ज़रूरी होता है, कुछ टॉयलेटरीज है और उधर आप लोग देख सकते हो चेन क्लीन चेन ल्यूब एंड हेलमेट का जो वाइजर जो क्लीन करने वाला स्प्रे वो भी मैं कैरी कर रहा हूँ। और आगे आओ थोड़ा, और आगे है यहाँ पे एक सीट, ईयर सीट जो ज़रूरी होता है क्योंकि डोमिनर का सीट आप लोगों को मालूम है कितना हार्ड है, तो इसलिए मैं एक सीट भी कैरी कर रहा हूँ जिसका भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और गैजेट में मैं कैरी कर रहा हूँ अपना DSLR, और DSLR देख सकते हो पूरा सेटअप है, और एक केस कैरी कर रहा हूँ GoPro का ताकि बारिश हो गया तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। ड्रोन कैरी कर रहा हूँ, ड्रोन का बैटरीज है और यहाँ पे सारा वायर्स वगैरह है, और एक स्पीकर जो ज़रूरी है ट्रैवल के लिए क्योंकि गाना वाना सुनना भी ज़रूरी है, मूड भी ठीक करना ज़रूरी है। और कैरी कर रहा हूँ एक टॉर्च और एक पावर बैंक और कुछ स्पीकर्स है मेरा, और एक फ़ोन का कवर जो बारिश में नेविगेशन देखने में काम आएगा, और ज़रूरी सबसे ज़रूरी चीज़ मास्क सैनिटाइज़र जो अभी भी एग्जिस्ट करता है, जो कोरोना नाम का बीमारी है जिसलिए हम लोग घर पे रुके हैं कहीं पे ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं, उसको तो कैरी करना ही पड़ेगा क्योंकि सेफ्टी पहले है। और बाकी क्या स्लीपर वगैरह सब कुछ कैरी कर रहा हूँ, और कुछ एक स्पेयर की कैरी कर रहा हूँ क्योंकि बाइक का स्पेयर की मैं हमेशा सबको सजेस्ट करूँगा कैरी करने के लिए, क्योंकि कभी भी एक आपका जो मेन की है वो खो गया तो उस स्पेयर की आपका काम आ जाएगा। मेरे पीछे का पैकिंग तो आप लोगों को दिखा दिया, तो पैकिंग देख के तो आप लोगों को मालूम चल ही गया हम लोग एक लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं और ये हिल राइड होगा। तो इस बार हम लोग कवर करेंगे नॉर्थ बंगाल और दार्जिलिंग का जो भी ऑर्बिट एरियाज होगा, तो करीबन 7-8 दिन का प्लानिंग है और इस बार मेरे साथ रोहन जा रहा है, तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार आने वाला है। तो गाइस अभी से मैं बोल देता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट मिलता रहे, मैं लाइव अपडेट डालूंगा क्योंकि वीडियोस बाद में आता है, कई जगह पे नेटवर्क नहीं मिलेगा तो एडिटिंग करने का भी मौका नहीं मिलेगा। दैट्स ऑल, तो मिलते हैं आप लोगों से राइड पे, और टिल देन बाय बाय गाइस, राइड सेव एंड टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब प्लीज प्लीज, बाय बाय। Thank you.